गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो है गियर ट्रेन। गियर ट्रेन क्या है? पहले हम जानते हैं कि गियर क्या है। देखो, एक गियर एक मशीन एलिमेंट है जो कि पावर ट्रांसमिट करता है, एक शाफ्ट से और एक शाफ्ट को पावर ट्रांसमिट करता है। अब आप राइस मिल में देखे होंगे, वहाँ पर बेल्ट ड्राइव यूज होता है। मान लो यहाँ पर एक गियर है, यहाँ पर एक गियर है, उसके अंदर एक बेल्ट ड्राइव हम यूज़ करते थे। बट बेल्ट ड्राइव में क्या होता था, दैट लॉन्जिटिविटी नहीं है एंड उसमें क्या होता है, स्लिप हो जाता है। एंड स्लिप होगा तो फिर से उसको बनाना, फिर से खरीदो। सो गियर में स्लिप नहीं होता है एंड गियर हमें एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो देता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्ट वेलोसिटी देता है, स्लिपेज का चांसेस बहुत ही कम है, स्लिप नहीं होता है। दैट इज द ओनली रीजन वी गो फॉर गियर्स। अब मेरा ये टॉपिक है गियर ट्रेन। गियर ट्रेन क्या है? अच्छा, गियर तो मुझे पता चल गया कि गियर क्या होता है, बट गियर ट्रेन, आप तो ट्रेन देखे होंगे, ट्रेन में बहुत सारा बॉगी कनेक्टेड कनेक्टेड है, बहुत एक बॉगी में आप बैठोगे सारा कनेक्टेड कनेक्टेड है। कहाँ कौन से कोच में बैठ रहे हो, और एक कोच से सब कनेक्टेड है। क्या ना, इसे यहाँ पे भी गियर कनेक्टेड होगा, लाइक बहुत सारा गियर कनेक्ट होगा। कैन आई नेम इट एज गियर ट्रेन? यस सर, आई कैन नेम इट एज ए गियर ट्रेन। अब सी, व्हेन द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू शाफ्ट इज वेरी लार्ज। सपोज मान लीजिए ये आपका एक सेंटर है, ये एक सेंटर है और ये और एक सेंटर है। आपका ये जो शाफ्ट है, यहाँ पे एक शाफ्ट है और इसके ऊपर गियर माउंट है। ये शाफ्ट हमें एक पावर ट्रांसमिट करना है। अगर मुझे यहाँ पे पावर ट्रांसमिट करना है, पावर ट्रांसमिट मतलब क्या है, ये शाफ्ट जितना आरपीएम में रोटेट कर रहा है, सपोज 10 आरपीएम में, मुझे ये शाफ्ट को भी 10 आरपीएम में रोटेट करना है। अब आप नहीं बोलोगे कि मैं यहाँ पे भी एक मोटर कनेक्ट कर दूं एंड यहाँ पे भी एक मोटर कनेक्ट कर दूं और दोनों को 10 आरपीएम या 20 आरपीएम हमें जितना चाहिए उतने में रोटेट करूं। तो आपका पैसा खर्च हो रहा है ना, आप इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पैसा पे कर रहे हो। वही आप काम करो, गियर को माउंट कर दो, उसी गियर में जब मेसिंग होगा, मान लो यहाँ पे मैं और एक गियर दे दिया, इसको बोलते हैं इडलर गियर, इसका फंक्शन मैं बताऊंगा आपको आज के लेक्चर में। अब ये गियर रोटेट होगा तो ये भी रोटेट होगा, अगर ये रोटेट होगा तो ये गियर भी रोटेट होगा। सोचो यहाँ पे मैं दे दिया मोटर, ठीक है, इसे बोलते हैं ड्राइविंग गियर, ड्राइविंग इसे बोलता जाता है, ड्राइविंग, जो गियर हमारा मोटर के साथ कपल्ड होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, एज दिस गियर इज रोटेटिंग, ये इडलर गियर भी रोटेट करेगा एंड ये गियर जब रोटेट करेगा, हमें ये गियर भी आप रोटेट करने को मौका मिल जाए। एंड ये गियर हम बिना इलेक्ट्रिसिटी दिए, बिना इलेक्ट्रिसिटी का हेल्प से, बिना मोटर के यूज से, हम ये भी इसको रोटेट कर सकते हैं, सेम आरपीएम हमें मिल सकता है। यहाँ पे स्लिप नहीं हो रहा है, सपोज यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 आरपीएम मिल रहा है। इट इज डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑल्सो, मान लो ये बड़ा साइज में 10 बार घूम रहा है, ये छोटा साइज है तो 20 बार घूमेगा, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑल्सो। अब तो आपको थोड़ा आइडिया गियर ट्रेन क्या है। अब जब सेंटर टू सेंटर, मान लो यहाँ पे एक शाफ्ट है, ये और एक शाफ्ट है, ये दोनों के अंदर मुझे पावर ट्रांसमिट करना है, जब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, तब हम गियर को अडॉप्ट करते हैं टू ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अदर शाफ्ट, एंड दैट इज कॉल्ड एज गियर ट्रेन। इन अदर वर्ड्स आई कैन से, गियर ट्रेन का मतलब क्या है, बहुत सारा गियर एक एक कनेक्ट होता है, हम उसे बोलते हैं गियर ट्रेन। ट्रेन इट्स लाइक अ ट्रेन, जैसे ट्रेन बहुत बड़ा होता है वैसे गियर ट्रेन क्या होता है, एक 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 गियर कनेक्ट होता रहता है। नेक्स्ट राइट। अच्छा, मैं आज डिस्कस करूंगा सिंपल गियर ट्रेन एंड कंपाउंड गियर ट्रेन। बच्चों सिंपल गियर ट्रेन क्या होता है, देखो ये मेरे लिए शाफ्ट वन है, दिस इज शाफ्ट नंबर टू, दिस इज शाफ्ट नंबर थ्री एंड दिस वन इज शाफ्ट नंबर फोर। देखो एक शाफ्ट में, ये जो शाफ्ट है ना, एक ही गियर है, ठीक है, एक ही गियर है। ये एक शाफ्ट में और एक गियर है, ये शाफ्ट में और एक गियर है, ये शाफ्ट में और एक गियर है। कैन यू टेल मी, एक शाफ्ट में मुझे एक गियर है मोर देन वन गियर है, एक ही गियर है। अगर एक ही शाफ्ट में आपको एक ही गियर मिल रहा है, हम उसे बोलते हैं सिंपल गियर ट्रेन। यू हैव टू रिमेंबर दिस गाइस, सी व्हेन देयर इज ओनली वन, सी देयर इज ओनली वन गियर ऑन ईच शाफ्ट, इट इज कॉल्ड अ सिंपल गियर ट्रेन। अगर आपके पास, एक सेकंड थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं अब, हाँ, अगर आपके पास एक ही शाफ्ट में एक ही गियर है, हम उसे बोलते हैं सिंपल गियर ट्रेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना चाहिए। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। मान लो ये जो गियर है ना, ये जो गियर है, इसके साथ मोटर कपल्ड है, इसके पीछे मोटर लगा हुआ है, इनकी ये शाफ्ट को रोटेट कर रहा है, ये शाफ्ट के ऊपर ये गियर देखो हमारा माउंटेड है
अब ये गियर हमारा माउंटेड है। मान लो ये आपका क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये गियर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, हमें एक्चुअली ये हमारे इनपुट गियर है एंड ये हमें आउटपुट, मुझे ये गियर को रोटेट करना है, ये शाफ्ट को मुझे रोटेट करना है। तो यहाँ से यहाँ सेंटर डिस्टेंस है, तो मिडिल में मुझे और एक गियर देना पड़ेगा। आइदर आप गियर का साइज बड़ा कर दो, नहीं तो और एक गियर दे दो। तो बहुत बड़ा साइज का लाओगे तो कॉस्टिंग आएगा, तो काम करो छोटा 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 साइज में हम ले सकते हैं। अब देखो इसको बोला जाता है इडलर गियर, IDLER, इसे बोला जाता है इडलर गियर। सपोज ये राइटवर्ड मूव कर रहा है, राइट डायरेक्शन में, ये क्या करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अगर ये लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, ये आपका राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। सो द पर्पज ऑफ द इडलर गियर इज टू ट्रांसमिट द मोशन फ्रॉम द ड्राइवर टू द ड्रिवन। ये मदद कर रहा है कि मैं इसका मोशन यहां पे कैसे ट्रांसमिट करूं, तो मैं एक इडलर गियर यूज किया। नेक्स्ट सी, ये मैं थोड़ा बात करूंगा कि इडलर गियर में क्या क्या फंक्शन है। देखो बच्चों, इसको बोला जाता है इडलर गियर। ऐसा देखो, ऐसे नहीं कि छोटा गियर है तो ही इडलर है, बड़ा को भी आप बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ड्राइविंग गियर कौन सा होता है, जब जहां पे आप मोटर ऐड कर देते हो, क्योंकि मोटर इसे रोटेट कर रहा है एंड ये इसको कोई मोटर रोटेट नहीं कर रहा है। बिकॉज ऑफ दिस, एज दिस इज ए मेसिंग गियर, ये तीत इसके ऊपर मेसिंग है। अगर ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज तो ये रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, अगर देन ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज। अब देखो इडलर गियर्स मैनिपुलेट द डिजायर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैनिपुलेट क्या करता है, डिजायर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसका मीनिंग क्या है बच्चों। सी अब मुझे मान लो ये मेरा, एक सेकेंड, ये मेरा इनपुट गियर है, ठीक है, ये मेरा इनपुट गियर है, ये मेरा आउटपुट गियर है। मुझे अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, अगर ये दोनों मेसिंग में होता, मेसिंग मतलब ये गियर यहाँ पे होता, देन ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता, हाँ या नहीं। बट यहाँ पे देखो मेसिंग में नहीं है, मैं एक यहाँ पे इडलर गियर ऐड कर दिया, ठीक है। अगर इसका रोटेशन क्लॉकवाइज है, मुझे यहाँ पे भी रोटेशन चाहिए क्लॉकवाइज, तो मैं क्या करूँगा, एक इडलर गियर ऐड करूँगा। अगर नहीं करता, ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज होता। अगर ये क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ये हो रहा है क्लॉकवाइज। कहने से टू ऑप्टेन डिजायर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन, टू ऑप्टेन डिजायर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ड्रिवन शाफ्ट। ड्रिवन शाफ्ट में अगर हमें चाहिए तो हम यूज कर सकते हैं इडलर गियर। और एक बात मैं बताता हूं आपको, मान लो बच्चों आपके पास ना बहुत सारे गियर्स है, एक मान लो दो तीन चार पांच, दिस इज नंबर वन, दिस इज नंबर टू, दिस इज नंबर थ्री, यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा इजी होगा, दिस इज नंबर फोर एंड दिस इज नंबर फाइव। यहाँ पे ऑड क्या क्या बच्चों, ऑड गियर्स बताओ। ऑड सर यहाँ पे ऑड है वन थ्री एंड फाइव, एंड इवन क्या है बच्चों, इवन गियर का नाम बताओ, दिस इज टू एंड फोर, ये सर नो। अब देखते हैं, मान लो ये मेरा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो नंबर टू क्या करेगा, एंड एक सेकेंड, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर टू एंटी क्लॉकवाइज है तो थ्री क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो फोर क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो फिफ्थ क्या करेगा, क्लॉकवाइज। अब देखो और जो गियर्स है, वन थ्री फाइव, वन देन थ्री देन फाइव, ये सबका देखो क्लॉकवाइज रोटेशन है। सो कहने से दिस इज ए क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। अब इवन गियर में हम चेक करते हैं, इवन में देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। सो कहने से दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। अब मान लो बहुत सारे गियर ट्रेन है, जो ऑड नंबर है ना, ऑड नंबर, वो सबका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम होता है। मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज लिया, अगर मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लेता तो मुझे भी यहाँ पर भी मिल जाता एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे भी मिल जाता एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब कि व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, यू कैन नो द नेचर ऑफ द गियर। एंड जब मेस में होता है, हम ऑड नंबर ऑफ गियर में कौन सा रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, हमें यहाँ से नेचर पता चल जाता है। तो फॉर दिस डायग्राम ऑड गियर्स में देखो आपको मिला क्लॉकवाइज रोटेशन, एंड यहाँ पे जो इवन नंबर से लाइक टू एंड फोर, यहाँ पे आपको मिला एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। थोड़ा आइडिया आया, ये देखो ये डबल इडलर है, ये एक इडलर है
ये और एक इडलर है, ये डबल इडलर है। अगर ये रोटेशन आपका मान लो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये भी डबल है तो दोनों सेम रहेगा, और ये करेगा एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये पार्ट मेरे पास नहीं होता तो ये एंटी क्लॉकवाइज एंड ये एंटी क्लॉकवाइज कभी भी नहीं हो पाएगा। अगर कोई भी गियर ये देखो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, अगर ये दोनों मैचिंग में ही एंटी क्लॉकवाइज करेगा, अगर मुझे इसको भी क्लॉकवाइज करना है तो मुझे इडलर ऐड करना ही पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, इडलर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे डिजायर डायरेक्शन ऑफ मोशन चाहिए। अब जब डिजायर डायरेक्शन ऑफ मोशन चाहिए तो मुझे इडलर यूज करना ही है। नेक्स्ट लेज अब देखो, तो सिंपल गियर ट्रेन के ऊपर मुझे थोड़ा आइडिया आ गया। अब तो बात करते हैं कि कॉम्पाउंड गियर ट्रेन सर क्या है, ये जो नाम है कॉम्पाउंड गियर ट्रेन। अब देखो बच्चों, ये एक शाफ्ट है, हाँ है ना, दिस वन इज शाफ्ट, ये हमारा शाफ्ट है। अब एक ही शाफ्ट के ऊपर मुझे एक गियर मिला नंबर वन गियर, और मतलब दो, यहाँ पे तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, वो मेरे ऊपर नहीं है, वो जितना भी है। अगर देयर आर मोर देन वन गियर ऑन ईच शाफ्ट, एक शाफ्ट में अगर दो से ज्यादा गियर आपको मिल रहा है देखने को, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पाउंड गियर ट्रेन। अगर एक होता दैट इज सिंपल गियर ट्रेन, जब दो हो रहा है वो है कॉम्पाउंड गियर ट्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, कॉम्पाउंड गियर ट्रेन में नॉर्मल क्या होता है, ये बहुत गिव्स हाई वेलोसिटी रेशियो। ये वेलोसिटी रेशियो, एक है आपका टर्म वेलोसिटी रेशियो, और एक टर्म है ट्रेन वैल्यू और न्यूमेरिकल। मैं इसका अलग लेक्चर बनाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, न्यूमेरिकल्स। ये तीनों का आइडिया मैं आपको दूंगा कि वेलोसिटी रेशियो का एग्जैक्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए, फॉर्मूला तो आपको मिल जाएगा, बट सिग्निफिकेंस क्या है, ट्रेन वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाई डू वी स्टडी दिस, ये सब मैं बता के देन आपको न्यूमेरिकल करूंगा इसका कुछ। आज थोड़ा थ्योरी के ऊपर आइडिया आपको दे रहा हूँ। और एक बात को बच्चों, यहाँ पे देखो ये तीत सब स्ट्रेट है, देखो ये सब स्ट्रेट है, इसे बोला जाता है स्पर गियर। अगर ये इंक्लाइंड होता उसे बोला जाता है हेलिकल गियर, वो भी एक लेक्चर ले लेंगे बाद में कभी। अब देखो, अच्छा ये शाफ्ट, यहाँ पे कितना शाफ्ट है, एक शाफ्ट इधर है, ठीक है, एक शाफ्ट इधर है, ये देखो और एक शाफ्ट है, ठीक है, ये भी एक शाफ्ट है, ये एक शाफ्ट है। चलो ये शाफ्ट में कितना गियर है मुझे बताओ, ये देखो एक ही गियर है। अब ये शाफ्ट में कितना गियर है, दिस इज नंबर वन, दिस इज नंबर टू, और एक है, हाँ और एक है, थ्री। सो ये देखो, कैन आई से दिस इज सिंपल गियर ट्रेन, हाँ दिस इज सिंपल, इसको सिंपल गियर बोला जाता है क्योंकि एक शाफ्ट में एक ही गियर है, यहाँ पे मोर देन वन है, तो कैन आई से दिस इज कॉम्पाउंड वन, यस दिस इज द कॉम्पाउंड वन, कॉम्पाउंड गियर ट्रेन। तो इससे ना बहुत सारे आपका, आप पूछोगे कि सर मुझे कहाँ पे देखने को मिलेगा, आप ना लेद मशीन में चले जाओ, लेद मशीन में जो का गियर का बॉक्स होता है वहां पे आपको सिंपल एंड कंपाउंड गियर ट्रेन मिल जाए। आप आपके लैब में अगर आपके पास कुछ गूगल में भी देख सकते हो, फिजिकल देखना थोड़ा अच्छी बात होता है, आप देख सकते हो सिंपल एंड कंपाउंड गियर ट्रेन कैसे कनेक्टेड होते हैं, हम कैसे ट्रांसमिट करते हैं, हमारा रोटेशन कैसे होता है। यू शुड वॉच इट वंस, होप यू लाइक माई लेक्चर। ये बस एक थ्योरी ओरिएंटेड लेक्चर था जिसमें थोड़ा आइडिया है बच्चों की, सिंपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, इडलर क्या होता है, ये थोड़ा आइडिया, होप आपको थोड़ा समझ में आया। नेक्स्ट क्लास आप जरूर अटेंड कीजिए, मैं आपको वेलोसिटी रेशियो, ट्रेन वैल्यू और उसका कुछ न्यूमेरिकल दिखाऊंगा। उसके बाद हम जंप करेंगे डिफरेंट टाइम, लाइक सन एंड प्लैनेट गियर, और यू कैन से रिवर्टेड गियर ट्रेन, वो मैं आपको, रिवर्टेड क्या होता है, ये एक स्पेशल केस होता है कंपाउंड गियर ट्रेन का, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। थैंक यू।